रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि इन केस ऑफ 3 और मोर देन 1 यूजर पर्सनल प्रोनाउन द नॉर्मल ऑर्डर इज ऑलवेज 1 2 3। तो ठीक है, ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन की। अभी तक जो दो रूल पढ़े थे वो क्या थे? सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, अब बात हो रही है प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। कोई भी एक भी अगर प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन उसमें आ गया तो रूल आपका हमेशा जो है वो रहेगा 1 2 3। एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से इसको समझेंगे हम लोग, एकदम आप लोगों का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ये दो क्वेश्चंस बताने थे, क्या होगा, क्या अलाइनमेंट बराबर है, सही है, रॉन्ग है, क्या है, देख लेते हैं, बताएं, सॉल्व करें और बिल्कुल सॉल्व करें आपके दोस्तों और मेरे साथ क्रॉस चेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दे कॉमा वी एंड यू हैव गॉन टू पुणे। अब इसमें सबसे तीन चीजों को देखना है, तीन चीजों को देखना है, एक सेंटेंस तीन चीजें, एक सेंटेंस तीन चीजें, क्या तीन चीजें? सबसे पहले तो देखना है कि कोई प्लूरल उसमें प्रोनाउन है या नहीं। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, सबसे इजी तरीका याद करने का। सबसे पहले आप लोग देखो कि उसमें कोई प्लूरल प्रोनाउन है या नहीं। आपने बोला सर है तो 1 2 3 लगा दो, ठीक है। आपने बोला सर नहीं है तो फिर देखो, तो फिर आगे बढ़ो, तो देखो कि वो उस नेगेटिव सेंस का है या पॉजिटिव सेंस का है। क्लियर हो रही मेरी बात? भी सबसे पहले देखो कि प्लूरल है कि नहीं है। अगर प्लूरल है तो 1 2 3 ठीक। चलो प्लूरल नहीं है तो फिर देखो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो फिर 1 2 3 और पॉजिटिव है तो 2 3। क्लियर है? ये बिठा लो दोस्तों, ये बहुत बार आता है, ये 1 2 3 2 3 1 के क्वेश्चन आता ही आता है। एसएससी में भरे पड़े हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आप 17 को देखो, 16 को देखो, पीछे भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आप लोगों को ये 2 3 1 1 2 3 का जो अरेंजमेंट है ना, ये आते ही आता है। तो ये तीन चीज याद रखना है इसमें, मेन बहुत इंपॉर्टेंट है तीन। एक भी प्लूरल आया तो 1 2 3, नेगेटिव आया तो 1 2 3, क्लियर। पॉजिटिव आया और सिंगुलर है सब तो 2 3, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। ये तो आपका दे, दे मतलब तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन। ये आपका वी पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। और ये आपका सेकंड पर्सन, तो ये प्लूरल आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल ये हिचक सोचना ही नहीं है। प्लूरल आया आपका 1 2 3, मतलब वी यू एंड दे, और उसके बाद आपका वर्ब प्लूरल है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन, दे क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखो प्लूरल आ गया, ये प्लूरल है ना, ये भी प्लूरल है इससे ज्यादा, ठीक है, ये 1 2 3, ये बराबर, कोई इशू नहीं, ठीक है ना, दोनों ही सही है ना सभी के। बच्चों शाबाश, लगे रहो, आगे बढ़ते हैं। अब तीन रूल्स की बात की हमने, तीन रूल्स की बात की, अब जो हमारा रूल है वो 1 2 3 वाला नहीं है। थैंक गॉड 1 2 3 के तीन रूल थे और बड़े इंटरेस्टिंग थे, और ये जो थर्ड फोर्थ वाला रूल हम लोग देखेंगे, ये हम लोग अगले सेशन में देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। प्रोनाउन के रूल्स चल रहे हैं दोस्तों, वो 3 रूल्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज हम लोग रूल नंबर 4 की बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। रूल नंबर 4 कहता है द पॉसेसिव केस ऑफ मोर देन वन प्रोनाउन यूज्ड एज अ कॉमन सब्जेक्ट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। रिपीट, द पॉसेसिव केस ऑफ मोर देन वन प्रोनाउन used as a common subject is used according to the following। मतलब ये जो possessive case के case पर होने वाले ये possessive case के जो pronouns हैं, possessive case pronoun मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे are, ठीक है ना, your या yours या him या their, ये जो possessive case के जो pronoun है, ठीक है, more than one pronoun used as a common subject is
देखो एक एग्जांपल समझेंगे, उसमें ये पूरी हमारी डेफिनेशन जो है रूल नंबर 4 क्या है वो पूरा फिट बैठेगा। एक एग्जांपल देख के हम लोग उसको स्टडी करेंगे। चलिए फिलहाल जो लिखा है उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। आप देखो क्या बोलता है कि अगर पॉसेसिव केस जो होता है मोर देन वन प्रोनाउन, एक से ज्यादा प्रोनाउन वाले का यूज द कॉमन सब्जेक्ट, जो कि कॉमन सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, इट इज यूज अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग। अब मुझे मालूम है अभी तक आपको इसको इस रूल को नहीं समझे हो, कोई बात नहीं, नहीं समझे हो तो हम समझाते हैं। यहां देखिए इफ देयर इज आर इन रूल तो आर आएगा। अभी बस आप लोग क्या करें जो लिखा है बस उसको समझने की कोशिश करें, तो अभी क्लियर होगी, सॉरी कब क्लियर होगी। ठीक है, इफ देयर इज आर इन रूल आर आएगा, अगर रूल में आए है तो आर आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, इफ देयर इज रूल बट नॉट आई देन योर होगा, अगर यू है लेकिन आई नहीं है तो योर होगा। चलिए देखते हैं, इफ देयर इज नो आई एंड नो यू, कोई आई भी नहीं है कोई यू भी नहीं है उस कंडीशन में क्लियर होगा। तो ये रूल जो है आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब इसको अपन क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखो क्या है क्वेश्चन, यू ही एंड आई हैव डन माय होमवर्क। ठीक है ना, ये आपका एक एग्जांपल है। अब इसमें आप देखें यू ही एंड आई क्या है, यू ही एंड आई जो है मोर देन वन प्रोनाउन है। ठीक है, मोर देन वन प्रोनाउन है, कितने तीन प्रोनाउन है, यू है ही है और आई है। ठीक है, यूज एज अ कॉमन सब्जेक्ट, ये तीनों प्रोनाउन को हमने किस तरह से माना है, एक कॉमन सब्जेक्ट की तरह माना है। देखो आप ये सब्जेक्ट है ना, ये सेंटेंस का विषय है, हम किसकी बात कर रहे हैं सेंटेंस में, इस वाक्य में हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाक्य में हम तीन प्रोनाउन की बात कर रहे हैं जो कि सब्जेक्ट की जगह पर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ भाई, ये पूरे हमारे स्टेटमेंट में से इतना सा क्लियर हुआ ना आप लोगों को, जो प्रोनाउन है कॉमन सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात का तरीका आ जाता है पॉजिटिव केस के, तो यहाँ पे पॉजिटिव केस क्या है वो देख लेते हैं। ये तो सब्जेक्ट की जगह पर है प्रोनाउन, तो ये हो गया सब्जेक्ट के केस प्रोनाउन, है ना, इसी सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के केस प्रोनाउन। जो पोजीशन शो कर रहा है वो पॉजिटिव केस में, यहाँ पे पॉजिटिव क्या है भाई, पोजीशन शो कर रहा है ना, बता रहा है किसका होमवर्क, मेरा होमवर्क। ठीक है ना, ये आपका पोजेसिव केस प्रोनाउन है। देखो भाई अगर कोई प्रोनाउन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से एक लाइन में आप समझ जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह है तो वो सब्जेक्ट के केस पर प्रोनाउन कहलाएंगे। क्लियर, अगर आपका कोई प्रोनाउन पोजीशन शो कर रहा है तो वो पोजेसिव केस प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर है, आप वो ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसे तीन कोई अलग अलग प्रोनाउन हमने सब्जेक्ट के केस में ले लिए तो ये जो पोजेसिव केस प्रोनाउन है ना ये किस हिसाब से आएगा, पता है, इस हिसाब से अगर हमारे सब्जेक्ट में आए हैं तो हमारा पोजेसिव आर हो जाएगा। वह क्लियर कुछ, अगर यहां पर कहीं पर भी आए हैं, ठीक है, आए हैं अगर, तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां देख लो आए हैं क्या है, मतलब ये माय यहां पे रॉन्ग है, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है ना, यू ही एन आर हैव डन आर होमवर्क। ठीक है, क्यों,
का, इसका अरेंज का, ये भी देख लेते हम लोग, इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं भाई? है मैं माय रूम का पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, रूम नंबर 1 के हिसाब से अगर हम लोग देखें इसको तो इसका अरेंजमेंट देखो 2-3-1 है कि नहीं है, तो रूम जो है 2 हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया 3 हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया 1 हो गया, तो अरेंजमेंट जो है हमारा यहां पे 2-3-1 बराबर है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वर्ब का प्लूरल फॉर्म है कि नहीं, वर्ब का प्लूरल फॉर्म है कोई इशू नहीं, ये भी बराबर है। अब हमारा रूल नंबर 4 आ गया, रूल नंबर 4 क्या क्या बोलता है कि भैया अगर आपके सब्जेक्ट में आपका प्रोनाउन में कोई आय है तो फिर हमारा पजेसिव जो है वो हमेशा आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसे पता चला रूल नंबर 4 से पता चला यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ क्या, if there is I in group, या group मतलब इसकी बात हो रही है common subject की, clear हो रहा है? हो रहा है। अगर आपके subject में I लिखा हुआ है, तीनों में से कोई एक I है या दोनों में से कोई एक I है, तो उस केस में आपका अगर कोई possessive noun होगा तो वो अवर होगा, दूसरा नहीं होगा, समझ में आ रहा है? अपना इसलिए रॉन्ग हो गया ये वर्ड को, तो यू ही एंड आई हैव डन आवर होमवर्क। चलिए दूसरा सिस्टम समझ लेते हैं। अब मान लो इफ देयर इज यू, वहां पे यू है हमारे सब्जेक्ट में, लेकिन नो आई, यू है पर उसमें कोई आई नहीं है, उस केस में योर होगा, और होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू ठीक है एंड शी ठीक है शुड ब्रिंग हर बैग्स, ठीक है। अब आपका जो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है दो उस पे प्रोनाउन है, एक यू दूसरा है शी, पहले तो अरेंजमेंट देख लेते हैं, दुनिया नंबर दुनिया है, कुछ भी मैंने क्या है, ये टू है ये थ्री है बराबर है 2-3-1 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये मॉडल अपेक्षण कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ गया हमारा पजेसिव केस प्रोनाउन। क्या है ये जो पजेसिव शो करता है, पजेसिव केस प्रोनाउन के जस्ट बाद में कोई ना कोई नाउन आता है, तो वो भी एक तरीका है उसको पजेसिव केस प्रोनाउन को पहचानने का, ठीक है ना। लेकिन कौन सा आएगा वो कैसे पता चलेगा, कैसे निश्चित होगा, वो निश्चित होगा इससे, इफ देयर इज टू बट नो आई, देखो टू है इसमें लेकिन आई दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जोर लगा के उनको दिमाग में आप उठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया यहाँ पे योर बन गया, यहाँ पे आएगा योर, क्लियर हुआ दोस्तों? चलो एक लास्ट पॉइंट क्या बनता है, if there is no I and no you, दोनों नहीं, I भी नहीं है, you भी नहीं है, उस केस में क्या होगा? There, जैसे he and she, ठीक है? He and she visited to his doctor. Example देख लेते हैं, आप लोगों के लिए मैं यहाँ बताता हूँ। He and she नहीं होगा, he and, अब he and she तो गड़बड़ हो जाएगा, यू भी नहीं होगा, है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, ठीक है, ये इसमें फिट नहीं बैठा। चलिए ये इतना क्लियर है, ये हम लोग नोट करें, है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इसके एग्जाम्पल है बताता हूँ आप लोगों को, पहले ये दो पॉइंट क्लियर हुए, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी ये है, आप ये देखिए सेंटेंस में कि आई भी नहीं आएगा और यू भी नहीं आएगा, उस केस में जो है देर आ जाएगा, उस केस में क्या आ जाएगा, देर आ जाएगा। चलिए अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको जल्दी से हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, या फिर इसको कॉपी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये ना समझे कि बस यहां समझ में आ गया, मतलब हमेशा रहेगा, आपको बार बार पढ़ना भी पड़ेगा, इसलिए उसके लिए कुछ लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लिया, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल तो देख लेते हैं इसका। इसका एग्जाम्पल है, चलिए वही वाला ले लेते हैं, बीएनसी वाला, थर्ड वाला, एंड शी शुड, ही एंड शी शुड कैरी हर लगेज, लगेजेस। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखो थर्ड वाले का, इफ देयर इज नो आई एंड नो यू तो क्या लगेगा, देयर लग जाएगा। मतलब आप देखते हैं यहाँ पे ही हो गया और शी हो गया, ना तो कोई उसमें आई है ना यू है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ही एंड शी शुड कैरी हर लगेज नहीं होगा, उसमें हो जाएगा देयर लगेज। क्या हो जाएगा, देयर लगेज। क्लियर है दोस्तों, ग्रुप नंबर फोर, देख लेते हैं क्या बोलता है। भाई हमने क्या किया, सब्जेक्ट में तीन प्रोनाउन लिए, ठीक है, या दो प्रोनाउन लिए, दो में से क्या बोलता है रूल कि अगर उसमें एक आय आ रहा है तो फिर अगर आय आ रहा है तो हमको क्या लेना है, अवर आ जाएगा, पॉजिटिव केस प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और अगर उसमें आय नहीं है लेकिन उसमें यू है तो फिर आपका पॉजिटिव केस प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यू हो, योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। और अगर उसमें नो आई नो यू दोनों नहीं है, भाई मैं भी नहीं हूं और तुम भी नहीं हो, तो फिर कौन होगा, देयर हो जाएगा, क्या होगा, देयर हो जाएगा। क्लियर है, ये तो था रूल नंबर फोर। चलिए रूल नंबर फाइव को भी जल्दी से समझ लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। ओके चलिए लेट्स मूव ऑन, रूल नंबर फाइव। भाई दो ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट लो या वीडियो कॉल मारो, है कि नहीं, वीडियो कॉल मारो फटाफट, कॉपी मारो के बाद फिर शुरू हो जाओ। लेकिन कंजूसी नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे रूल। चलिए रूल नंबर फाइव की बात कर लेते हैं, हमको जल्दी से। रूल नंबर फाइव होता है आपका, रूल नंबर फाइव होता है ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन कैन नॉट बी द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव is personal cannot be the subject in the sentence. ये आप बोलेंगे सर हमको ना ये पढ़ लेनी पड़ती कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये पजेसिव केस क्या है और ये सब्जेक्टिव केस क्या है। तो दोस्तों आप लोग मेरे पिछले जो वीडियो है ये सीरीज में चल रहा है, पिछले वीडियो आप लोग जरूर देखें, एक पूरा सेशन मैंने बनाया है केसेस के ऊपर, पूरा केस का टेबल हमने बनाया हुआ है और उसके अंदर हमने देखा है कि ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से आते हैं, सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, कैसे होता है और पजेसिव केस क्या होता है। ठीक है, ये वो आप देखना ना भूलें, अभी भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ये भी क्लियर करूं। चलिए ये क्वेश्चन इसको थोड़ा सा पूरा छोड़ते हुए हम लोग केसेस को थोड़ा सा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, केस की अगर बात करें, केस एक शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है, केस में बता रहा हूं, इस शॉर्ट में आपके लिए काफी
टर्म की बात हो रही है, सब्जेक्ट के केस प्रोनाउन की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट की जगह लगता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है पजेसिव केस, जो पजेशन शो करने के लिए प्रीपोजिशन जैसा काम करता है वो होता है पजेसिव केस प्रोनाउन। इसके एग्जांपल होते हैं प्रोनाउन्स के आई वी, ठीक है ना, आई हो गया, वी हो गया, ये इसके एग्जांपल है। और ऑब्जेक्टिव के आई का जो बन जाता है नी, ठीक है, नी का बन जाता है अस, नी का क्या बन जाता है अस, इधर आने दोगे तो नी का बन जाता है माय, पूरा टेबल आपको फिर से इसको देखें, और ये नी अस, ये हो गया आर। अभी बस ये तीन एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, बस मेन पर्पस आप देखो कि अगर आपका सब्जेक्ट के स्थान पर लग रहा है तो आई और नी लगेगा, उसी को अगर आपको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट की जगह तो आई बन जाएगा नी और नी बन जाएगा अस, है ना। फिर वैसे ही आपको अगर ये पोजीशन में लेना है तो आई बन जाता है माय, ठीक है, जैसे दिस इज आई कैन, आई कैन नहीं होगा माय कैन होगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव केस है ना। वैसे ये इट इज वी हाउस, तो वी हाउस नहीं होता, क्या होता है आर हाउस होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव केस है। फिर वैसे ये चलिए, तो ये ऑब्जेक्टिव केस ही क्लियर हुआ। अब वापस अपने ग्रुप पे आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट करते रहिए। चलिए ये ना हमारा एन ऑब्जेक्टिव केस, पर्सनल प्रोनाउन कैन नॉट बी सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, यू एंड मी आर गुड स्कूल फ्रेंड्स, यू and me are good school friends, देख लिया। अब example देख के आप लोग अब वापस से बोल पड़े, पूरा क्लियर हो जाएगा, बोल पड़े। and objective case, object क्या होगा, object की जगह देखो ये तो subject है, you and ये तो आपका क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव, ये तो आपका जो है सब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन कैन नॉट बी ए सब्जेक्ट, है ना। ये सब्जेक्टिव केस पे यू बराबर है, लेकिन मी, मी तुम क्या है, अभी हमने देखा था आई का क्या होता है मी ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ये मी जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस निकला। ऑब्जेक्टिव केस है तो हम लोग इसको सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस में रख ही नहीं सकते, ये तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है ना मी, तो उसका सब्जेक्ट की जगह पर आने वाला प्रोनाउन कौन सा है, आई, कौन सा है आई, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर करें, ठीक है, कई बार कुछ सेंटेंस तो होते सर वैसे ही बनने नहीं, हम तो कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, सेंटेंस जब आते हैं ना एग्जाम में तो दिमाग बोल जाता है, उसमें आप लोगों को फिर ये कंसेप्ट ही हेल्प करते हैं, तो ये ध्यान रखें आप लोग, ये अगर नहीं होता ना तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आता, वर्ब के बाद में नहीं पे आता, लेकिन यहां तो सब्जेक्ट है, ये आ जाता। क्लियर हुआ, यू एंड मी आर गुड स्कूल फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट रूल भी हम लोग देख लेते हैं, ये था हमारा रूल नंबर 5। नेक्स्ट रूल हम तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, इसका अगला रूल इसका हम लोग देख लेते हैं, अगला भी इससे जुड़ा हुआ है, रूल नंबर 5, रूल नंबर हो गया 5-6, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रूल नंबर 6 बोलता है हमारा, टू बी इज जनरली फॉलोड बाय द सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, followed by the
subjective case, personal pronoun. आसान भाषा में इस रूल को समझे तो ये टू बी जो है, टू बी का जो है, अब टू बी क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन टू बी के बाद हमेशा प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का आएगा, ये आपको याद रखना है। अब आप देख लेते हैं टू बी क्या है। देखो भाई टू बी क्या है, देखो टू बी में क्या क्या है। टू बी का मतलब होता है आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स, टू बी का मतलब आपके ऑक्सिलरी। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब भैया हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। क्या होता है सहायक क्रिया, तो क्या हुआ ऑक्सिलरी हो गया सर। चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं भाई, टूपी में देखिए ध्यान से, ये सारे आते हैं इस या एम या आ या फिर वॉस या वर, ठीक है, या फिर वैस या फिर हेयर या फिर बी या फिर बी या फिर बी बी आई एन जी, ये कोई भी वर्ड आपके क्या है टूबी के वर्ड, ठीक है। इनके बाद ध्यान से देखिए, इनके बाद अगर कोई प्रोनाउन आया, इनके बाद अगर कोई प्रोनाउन आया तो वो रहेगा सब्जेक्टिव केस का, वो कौन सा रहेगा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। कैसा प्रोनाउन होगा, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन मतलब देखो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन अंतर या तो आई होगा, क्या होगा आई होगा या बी होगा या आई होगा बी होगा या फिर ही शी या इट, क्या होगा इट या फिर दे, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट की जगह पे लगने वाले जो शब्द है, ये हमने पूरा इसका टेबल प्रिपेयर करने स्टडी किया था, मैं वही वही रिपीट कर रहा हूँ। आई सारे क्या है, ये वर्ड ये सब्जेक्ट क्योंकि इसके हमारे प्रोनाउन है, क्लियर हुआ। चलिए तो ये हमने क्लियर किया, देखो टू बी जो है ये जनरली फॉलोड बाय द सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट में पोस्ट करके इसको कॉपी करें। चलिए फिर हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो बिल्कुल आप एकदम क्लियर होने वाला है आपके लिए, जैसे आप एग्जाम्पल इसका देखेंगे। एग्जाम्पल है देखो, एग्जाम्पल है नन वॉन्ट्स टू बी हिम, ठीक है। देखो एग्जाम्पल बताओ, कुछ एरर है इसके अंदर, बताइए जल्दी से बताओ क्या एरर है इसके अंदर। None wants to be him. सर बराबर तो लग रहा है, क्या है हमको तो कुछ देखिए सर, है ना, काफी सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे। देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे समझदार भी हो रहे हैं, सर के रूल के हिसाब से बोलेंगे सर ये देखो तू भी आपने लगा है यहाँ पे, इसका मतलब ये जो है प्रोनाउन ये सब्जेक्टिव का प्रोनाउन होगा, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव में हिम तो हमको सर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, और जो हमने जो टेबल पढ़ी थी केस टेबल जो हम सर आपने हमको सिखाई थी उसके अंदर भी हमने देखा था कि सब्जेक्टिव केस में तो हिम दिखाई नहीं है, तो रॉन्ग तो है सर। क्या आया भाई हिम के बदले क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब क्लियर हुआ कि ये टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। टेबल के जितने एग्जाम्पल है ना उनको दिमाग में तो रट के कुछ उसको अंदर दिखा के रखो सारे शब्दों को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भाई। सब्जेक्टिव के सारे बड़े एग्जाम्पल का होना चाहिए, कहने का मतलब ये सब्जेक्टिव है ना, मतलब ये सब्जेक्ट की जगह पर ही आएंगे, मतलब शुरू में इनसे शुरुआत होती है।
कभी मी से शुरुआत नहीं होती, कभी माय से शुरुआत, वो पजेसिव अगर करते तो माय से नहीं होगी, हिम से नहीं होगी, हिज से नहीं होगी, हिज पेन इज योर, ऐसी कोई सेंटेंस नहीं बनता है शुरुआत में, ठीक है? तो याद रखें आप, वैसे ये ध्यान दें, नाउन वांट्स टू बी कभी भी आया, ठीक है? टू बी आया तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव, आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होगा, मतलब ही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है कि नन वांट्स टू बी ही, क्या हो जाएगा? नन वांट्स टू बी हिम नहीं होगा, नन वांट्स टू बी ही। हिम आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा लेकिन वो रॉन्ग है, ठीक है ना? नन वांट्स टू बी ही। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द जज हैड नो मर्सी फॉर सच अ क्रिमिनल एज, द जज हैड नो मर्सी फॉर सच अ सब्जेक्टिव बना, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन होगी ना, इस
इसको आप ऐसे ही बोल दो तो जज हैड नो मर्सी फॉर सच अ क्रिमिनल एज हिम, तो एज हिम, ठीक है। तो ये देखो तो आप इसको सिंपल बोल सकते हो जज हैड नो मर्सी फॉर बबलू, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव आपका नाउन हो गया, तो ये जो प्रोनाउन होगा ना ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, मतलब यहाँ पे हिम के बदले ही हो जाएगा, हिम के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो आप एक चीज याद रखो, किसी भी नाउन, कोई भी नाम, कोई भी डायरेक्ट कोई नाम है, उस नाम के बदले में अगर आप वहां पे प्रोनाउन लगा रहे हो, कोई भी प्रॉपर नाम की बात हो रही है उसके बदले में आप प्रोनाउन लगा रहे हो ना, तो वो हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, ठीक है ना, और वी हो जाएगा, एक से बहुत सारे लोग हैं, तो ये आप लोग याद रखें, ठीक है, क्लियर है। ये स्टडी किया हमने,